नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आज कक्षा 3 के विषय गणित में अध्याय 6 गुणा भाग 2 पर बात करेंगे, जिसके सीखने के प्रतिफल हैं M306 भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने और बारंबार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बच्चों, पिछले अध्याय में आपने गुणा और भाग के कुछ सवाल हल करके देखे होंगे, तो उसी क्रम में हम इस अध्याय में आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 73 को खोल लीजिए, हम उस पर आज बात करने वाले हैं। हमने गुणा करना तो सीख लिया है, और उसमें यदि हम संख्याओं के क्रम को यदि बदलें, हम संख्याओं के क्रम में यदि बदलाव करते हैं तो उसके उत्तर में क्या बदलाव आता है, कि उसका उत्तर जो है वही रहता है, उस पर हम अभी देखेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 × 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 × 3 को हम 2 × 2 × 2, मतलब 3 बार हम 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 × 2 = 3 समूह बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जो गेंद है उसके 3 समूह बने हुए हैं। अब उसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमको उत्तर कितने प्राप्त होता है, 6, यानी कि हमारे गेंद जो है 6 हो गया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं 3 × 2 पर बात करते हैं। 3 × 2 में क्या हो रहा है कि 3 के 2 समूह हैं। 3 × 2 यानी 3 के 2 समूह, यानी कि हम 3 गेंदों के 2 समूह बनाए हैं। अब हम 3 3 गेंदों के 2 समूह को यदि हम जोड़ते हैं तो हमको कितनी गेंदें प्राप्त होती है, 6 गेंदें। तो इस प्रकार हम 2 × 3 और 3 × 2 को यदि हम एक साथ देखते हैं तो हमको यहाँ पर जो उत्तर प्राप्त हो रहा है, दोनों में 6 गेंदें हमको उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 2 × 3 और 3 × 2 दोनों बराबर हैं। चलिए अब इसको हम एक और गतिविधि के माध्यम से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 4 × 5 और 5 × 4 इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 4 × 5 को हम क्या लिखेंगे, 4 को 5 बार लिखेंगे। उसी प्रकार 5 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 बार। तो इस प्रकार 4 का गुना यदि हम 5 से करते हैं या 4 को हम 5 बार जोड़ते हैं तो हमको उत्तर प्राप्त होता है 20। उसी प्रकार यदि हम 5 को 4 बार जोड़ें या 5 को 4 से गुना करें, हमको उत्तर प्राप्त होगा 20। तो हमें इससे यह साबित होता है, यह हमको मिलता है कि यहाँ पर भी 4 × 5 और 5 × 4 दोनों बराबर है। बच्चों, आपके पुस्तक पे पेज नंबर 74 पे कुछ सवाल दिए हैं, जिस पे हम अभी बात किए, उस पे आप घर में अपने बड़ों की मदद से, अपने भाई या बहन की मदद से आप उसको हल करेंगे। आइए अब देखते हैं, लाइन खींचो और गुना करो। बच्चों, आपको याद होगा हमने कक्षा 2 में सीखों पर कार्य किया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर सीखों के अलावा हम यहाँ पर लाइन की मदद से हम यहाँ पर गुना को समझेंगे। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है 3 × 4। तो 3 × 4 को हम लाइन में यदि प्रदर्शित करते हैं तो हम पहले 3 क्या लेंगे, आड़ी लाइनें, और गुना 4 के लिए हम 4 के लिए क्या लेंगे, 4 खड़ी लाइनें। तो इस प्रकार ये लाइनें आपस में जहाँ पर मिलती है उसको हम यहाँ पर गिन के लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमको कितनी जगह लाइनें मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार हमको कितने प्राप्त हुए, 12। उसी प्रकार हम 4 × 3 को देखते हैं, तो 4 × 3 में क्या हो रहा है, पहले हम 4 आड़ी लाइन लिए और 3 खड़ी लाइन लिए। अब यहाँ देखेंगे कि हमको जो जहाँ पर लाइनें आपस में मिलती है उसको गिनेंगे, तो इसमें भी उसी प्रकार से हमको 12 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 3 × 4 और 4 × 3 को हम आड़ी लाइन और खड़ी लाइन से हम करके देखें तो हमको उत्तर दोनों में समान, मतलब 12 ही प्राप्त हुआ। चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ अभ्यास हैं, आपके पुस्तक में पेज क्रमांक 74 पे दिया हुआ है, जिसको आप अपने घर में करेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या 0 को हम 3 से गुना करें या 3 को 0 से गुना करें तो हमको उत्तर क्या दोनों के बराबर प्राप्त होंगे,
ये आपके लिए एक प्रश्न है, आप करके देखिएगा। इसी पे एक अभ्यास है, पेज नंबर 74। इसमें आप क्या करेंगे, 6 × 4 = 4 × 6। तो इस पर आपको अगले क्रम में खाली स्थान दिया हुआ है, आप देखेंगे 3 × 7 = 7 × क्या आएगा, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार 4 × खाली स्थान है बराबर 5 × 4। इसी प्रकार आपको बहुत सारे यहाँ पर सवाल दिए गए हैं जिसको आप लोग घर में करेंगे। चलिए अब हम तालिका देखते हैं। तालिका में क्या हो रहा है कि एक तरफ आपकी खड़ी लाइनें में कुछ अंक दिए हुए हैं और एक आड़े लाइन में कुछ अंक दिए हुए हैं, जिसको आपस में यदि हम गुना करते हैं तो हमको उत्तर क्या प्राप्त होता है। जैसे देख सकते हैं आप, 2 × 3 कर रहे हैं, तो 2 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 6, 2 × 6। इसको हम उल्टे रूप में भी पढ़ सकते हैं, 3 × 2 माने 3 × 6। तो इस प्रकार दोनों का उत्तर एक समान आया। ऐसे ही आप अगले क्रम में भी करेंगे, जैसे 3 × 4 करके देखेंगे, तो 3 को यदि आप 4 से गुना करेंगे तो 3 × 4 = 12। उसी प्रकार 4 को यदि आप 3 से गुना करेंगे तो भी 4 × 3 = 12। तो ये आप करेंगे। उसी प्रकार आपके पुस्तक में पेज क्रमांक 75 में भी बहुत सारे ये ग्रिड जो गुना है वो दिया गया है, जिसको आप लोग घर में करेंगे। आइए अब हम, हाँ बच्चों, अब हम गुण्य, गुणक और गुणनफल क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी संक्रियाएं जो हैं, कोई भी हम सवाल पे जब बात करते हैं तो उसको यदि हम इस प्रकार से यदि लिखते हैं 3 × 7 = 21, तो इसको हम गुणन तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गुणन तथ्य, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि गुण्य और गुणक और गुणनफल क्या है। तो यहाँ पर 3 जो है वो आपके गुण्य है, 7 जो लिखा है, 7 जो है यहाँ पर गुणक है, और इसको गुना करने पर जो उत्तर आया है, हमको जो प्राप्त हुआ है वो है गुणनफल, यानी कि 21 जो है आपके गुणनफल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 × 5 = 10 है, जिसमें गुण्य जो है 2 है, और 2 को यहाँ पर 5 बार जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा गुणक हो गया 5, और 2 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो हमको जो उत्तर प्राप्त हुआ 10, वो है गुणनफल। तो इस प्रकार आपको और जो नीचे सवाल दिए गए हैं जिसको आप लोग घर में करेंगे। चलिए आज अब हम बात करते हैं गुण्य, गुणक और गुणनफल के ऊपर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ पर घेरा लगा हुआ है उसको हमको बताना है कि कौन सा गुणक है, कौन सा गुण्य है और कौन सा गुणनफल है। तो 5 × 4 = 20 में 4 क्या है, तो 4 यहाँ पर है गुणक। उसी प्रकार 9 × 12 = 108, तो 108 जो हमको उत्तर जो प्राप्त हुआ है उसको आप बता सकते हैं कि 108 जो है गुणनफल है। आगे क्रम में इसी प्रकार जो सवाल है पेज नंबर 76 में आप देखेंगे और उसको हल करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं गुब्बारा किसका है। तो यहाँ पर आपको बेटा रंग बिरंगे गुब्बारे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिस पे आप देख रहे हैं कि 7 × 8 = 56, 3 × 2 = 6, 2 × 9 = 18। इसी प्रकार सभी गुब्बारे में इसमें कुछ आपको सवाल दिख रहे होंगे। तो इसमें जो घेरा लगा हुआ है, गोल घेरा लगा हुआ है गुब्बारे में, उसको आपको बताना है कि वो गुण्य है, गुणक है कि गुणनफल है। आपको यहाँ 3 बच्चे दिख रहे होंगे, तीनों का नाम अलग अलग है। पहले का नाम है गुण्य, वो बोल रहा है कि मैंने गुण्य पर घेरा लगाया है। दूसरा बच्चा है गुणक, वो ये बोल रहा है कि मैंने गुणक पर घेरा लगाया है। और तीसरा बच्चा जो आप देख रहे हैं वो है गुणनफल, वो बोल रहा है कि मैं गुणनफल पर घेरा लगाया हूँ। तो इस प्रकार आपको बताना है कि गुण्य जो है किस पे घेरा लगाया है, कहाँ कहाँ पर घेरा लगाया है, तो उसको आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गुण्य कहाँ कहाँ पर घेरा लगाया है। पहले पीले वाले गुब्बारे में लगाया है, उसके बाद आप देख रहे हैं तीसरे क्रम में नीले वाले गुब्बारे पे लगाया है, और फिर नीले वाले क्रम में अगले नीले वाले गुब्बारे में उसमें लगाया हुआ है, और एक अगले नीले वाले गुब्बारे में लगाया हुआ है। इस प्रकार कुल कितने गुण्य हो गए, गिनते हैं, आइए 1, 2, 3 और 4। तो आपको कितने गुण्य प्राप्त हुए, 4। उसी प्रकार गुणक को हम देखते हैं, गुणक ये बोल रहा है कि मैंने घेरा लगाया है गुणक पर। आइए अब हम गुणक जो घेरा लगाया है उसको देखते हैं। तो गुणक जो है हरे गुब्बारे पे घेरा लगाया है और एक
लाल गुब्बारे जो अंत में आपको जो एक लाल गुब्बारा दिख रहा है उस पर घेरा लगाया है। तो कुल मिला के गुणक जो है दो गुब्बारे पर घेरा लगाया है। उसी प्रकार गुणनफल जो है वो भी घेरा लगाया है। तो पहले देखते हैं जो पहला वाला लाल गुब्बारा है उसमें घेरा लगाया हुआ है, उसके बाद हरे रंग वाले गुब्बारे में उसके आगे में, और उसके बाद पीले रंग के गुब्बारे में, और सबसे अंत में हरे रंग में। तो इस प्रकार गुणनफल का चार गुब्बारे में उसने घेरा लगाया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुण्य का चार गुब्बारे में घेरा लगाया है, गुणक जो है दो गुब्बारे में घेरा लगाया है, और गुणनफल जो है वो चार गुब्बारे में घेरा लगाया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे 10 गुब्बारे जो हैं ये गुण्य, गुणक और गुणनफल पे यहाँ पर बटा हुआ है अलग अलग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने निकले बिस्किट, इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का है मोनू, उसने क्या किया, चार बिस्किट के पैकेट लाए, और जिसमें से एक पैकेट जो है बिस्किट के एक पैकेट को वो फाड़ता है, उसके बाद उसके उसमें जो बिस्किट है उसको गिनता है, तो उसमें निकलते हैं 12 बिस्किट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसी प्रकार जब चार बिस्किट के जो पैकेट है उसको जब फाड़े तो सभी में 12-12 बिस्किट निकले। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 धन 12 धन 12 धन 12, तो चार बार हो गया, जिसको हम 12 × 4 भी लिख सकते हैं। अब मोनू क्या करता है, उसको गुणे के रूप में लिखता है, लेकिन वो गुना करने में यहाँ पर सक्षम नहीं हो रहा है। तो आइए हम उसकी मदद करते हैं, किस प्रकार इसको हम गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 12 × 4, तो इसको हम कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले हमको इकाई संख्या से गुना करना है, जो 12 में जो 2 इकाई है उसको पहले हम 4 से गुना करेंगे। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 4 × 2, तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो हमको 8 इकाइयाँ प्राप्त हुई। तो उसको सबसे पहले हम इकाई संख्या के नीचे में लिख देंगे। अब हम 4 को ही दहाई वाली जो संख्या है 1, उससे गुना करेंगे। तो 4 का गुना जब 1 से करेंगे तो 4 × 4, तो हमको 4 दहाइयाँ प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 को हम 4 से गुना किए तो हमको 48 प्राप्त हुआ। तो हम अब बोल सकते हैं कि हमको जो मोनू ने जो 4 बिस्किट के पैकेट लाए थे उसमें चारों के बिस्किट के पैकेट को हम गुना किए आपस में, तो वो 48 बिस्किट निकले। तो आइए बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको सवाल लिख रहे हैं पेज नंबर 78 पे, जिसको आप लोग को घर में बड़ों की मदद से करना है। आइए आगे देखते हैं। गुना में हासिल, अभी तक जो हम गुना देख रहे थे वो बिना हासिल के थे, अब हम हासिल किस प्रकार से आता है गुना में उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर 34 का गुना हम 7 से कर रहे हैं। तो 34 का गुना 7 से कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि प्रथम चरण में क्या हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि 7 जो है, 7 का गुना जो 34 में जो इकाई है, इकाई कौन सी संख्या है, 4, तो 7 का गुना पहले हम 4 से करेंगे। जैसे 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, 7 × 4 = 28, तो हमको उत्तर 2 अंकों में प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम 28 को नहीं लिखेंगे, दोनों संख्या को नहीं लिखेंगे, हम केवल इकाई वाली संख्या जो 8 है उसको लिखेंगे, उसको इकाई के नीचे लिख देंगे। अब जो दो हमारा जो दहाई बचा, दो दहाई बचा, उसको हम दहाई वाले संख्या जो 3 है उसके ऊपर रख देंगे। अब हमारा अगला क्रम क्या होगा, दूसरे चरण में देख सकते हैं आप, 7 का गुना हम करेंगे 3 से, तो क्या हमको प्राप्त होगा, 7 × 21। अब चूंकि हमको पहले प्राप्त हुआ था, दहाई के ऊपर आप देख सकते हैं 2 प्राप्त हुआ था हासिल के रूप में, उसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो 21 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 23। अब हम उस 23 को दहाई संख्या के नीचे में लिख देंगे। तो इस प्रकार हमको 238 प्राप्त हुआ। तो हम बोल सकते हैं 34 को हम 7 से जब गुना किए तो हमको 238 प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपने अभी हासिल वाले गुना कैसे बनाते हैं उसको अभी देखे। आपके लिए अब पेज नंबर 79 में कुछ सवाल दिए हैं, जिसको आप लोग घर में करके देखेंगे। तो बच्चों, आज हमने गुना के कुछ सवाल देखे, जिसमें 2 अंकों वाला गुना और जिसमें हासिल वाला गुना सम्मिलित था। आगे के भाग में हम लोग गुना के 3 अंकों वाले सवाल, जिसमें हासिल वाला जो गुना है उस पर हम बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का जो भाग है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले भाग में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।